दिया है। तो हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैलकुलेट करेंगे उसी से हमें सब कुछ पता चलता है मैकेनिक्स में तो एफ बी डी के लिए हमेशा लिखते हैं हमेशा, लिए हमेशा, है हमेशा। एम जी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं एम जी जो यहाँ पे लगेगा वो होगा एम जी थीटा इस क्वेश्चन में हो जाएगा एम जी का वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा थीटा मतलब कॉस्टर्टी जो है रूट थ्री बाई टू ये टेन रूट थ्री न्यूटन इतना फोर्स लग जाएगा यहाँ पे उतना ही नॉर्मल भी लगेगा नॉर्मल एग्जैक्टली उसको बैलेंस करेगा टेन रूट थ्री न्यूटन इसलिए इसका मोशन इस डायरेक्शन में नहीं होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस में अब यहाँ पे नीचे जो फोर्स लगेगा वो होगा एम जी साइन थर्टी एम जी साइन ईटा वैल्यू पुट करेंगे तो एम जी है ट्वेंटी साइन थर्टी का वैल्यू होता है वन बाई टू ये हो जाएगा टेन न्यूटन अब इसमें पीछे फ्रिक्शन भी लगेगा मैक्सिमम कितना लगेगा ये वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर टेन न्यूटन या उससे ज़्यादा लग सकता है तब तो ये ब्लॉक जो है वो मूव ही नहीं होगा लेकिन अगर उससे कम लगता है तो फिर एक फोर्स बच जाएगा नीचे के डायरेक्शन में उसकी उसकी वजह से स्लिप होगा तो हमें देखना होगा कि ये एफ मैक्स जो है वो कितना हो सकता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू एन तो म्यू यहाँ पे है वन बाई रूट थ्री और नॉर्मल जो है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है टेन रूट थ्री तो मैक्सिमम फ्रिक्शन टेन न्यूटन लग सकता है तो यहाँ पे नीचे जो फोर्स है वो टेन न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन में मैक्सिमम टेन न्यूटन लग जाएगा और इसको बैलेंस कर देगा टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो हमें टोटल फोर्स ही पूछा था ब्लॉक पे तो टोटल फोर्स ब्लॉक पे जो है वो जीरो होगा इस केस में अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन टेन से कम होता तब फिर जीरो नहीं होता तो फिर कुछ तो फोर्स बच जाता नीचे के डायरेक्शन में लेकिन इस केस में तो फ्रिक्शन जो वो बैलेंस कर लेगा एम जी साइन थीटा को और टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा ब्लॉक जो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फोर